कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला भारत, गुजरात से अरुणाचल तक फैला भारत, पर हमारा भारत हमेशा ऐसा नहीं था। आजादी के वक्त ना भारत में कश्मीर था और ना ही कन्याकुमारी। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जिन्हें आजादी के बाद भारत में जोड़ा गया था। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि वे इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे या पाकिस्तान का, या फिर अपनी रियासत में रहना चाहेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही राज्यों की, बताएंगे आपको इनकी पूरी कहानी, कैसे वो शामिल हुए भारत में और बन गए हमारे परिवार का हिस्सा। सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। गोवा। गोवा भारत के उन राज्यों में से है जिसकी कहानी लगभग हर भारतीय नहीं जानता है। आजादी के बाद भी पोर्तुगाली कुछ जगहों पर रह गए थे जिसमें गोवा भी शामिल था। पोर्तुगाली भारत सरकार से बात करने को तैयार ही नहीं थे और इसी कारण गोवा को बातों के जरिए शामिल कर पाना तो काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। 1961 के दिसंबर में जब कुछ नहीं हो पाया तब भारत सरकार ने अपनी सेना भेजकर 36 घंटों के अंदर गोवा को आजाद करा दिया। उसके बाद गोवा अपने खूबसूरत समुद्री तटों के साथ भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि पोर्तुगल की सेना को वहां के शासक ने कहा था कि हारना नहीं है, या तो जीतना है या फिर शहीद होना है, लेकिन भारतीय सेना के सामने पोर्तुगली सेना ने घुटने टेक दिए थे। सिक्किम। सिक्किम आजाद भारत का हिस्सा नहीं था बल्कि वो भारत का हिस्सा 1975 में जाकर बना। हुआ यूं कि भारत की आजादी के समय सिक्किम ने भारत से मिलने से मना कर दिया, जिस कारण सिक्किम को आजाद रखना पड़ा। लेकिन भारत से जुड़े ना होने के कारण सिक्किम का विकास उस तरह से नहीं हो पा रहा था जैसा होना चाहिए था, और सिक्किम की जनता भी चाहती थी कि सिक्किम भारत का हिस्सा बन जाए। चौगल्य राजवंश इसके खिलाफ था, लेकिन सेना के बल पर सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और वहां 97.5% लोग भारत के विलय के पक्ष में आए और अंत में सिक्किम को भारत में विलय करा लिया गया। जूनागढ़। जूनागढ़ काठियावाड़ के मेजर स्टेट में से एक था। इस राज्य के नवाब मोहम्मद महबत खानजी तृतीय ने जूनागढ़ को लगभग पाकिस्तान से मिला ही दिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश से ऐसा होने से रुक गया। नवाब साहब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की उलझन में थे तब लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें सलाह दी थी कि वो हिंदुस्तान में जाकर मिल जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और पाकिस्तान से मिल जाने की अर्जी दे दी। हालांकि बाद में यहां पर भी जनमत संग्रह कराया गया और 91% से ज्यादा लोगों ने हिंदुस्तान में जुड़ने के लिए हाँ की थी। हैदराबाद। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण हैदराबाद को भारत में मिलाना रहा। वहां के निजाम मिरुस्लाम अली हैदराबाद को आजाद रखना चाहते थे। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो निजाम ने यह तय कर लिया था कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में हैदराबाद को भी शामिल कर देंगे। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने यह साफ कर दिया था कि हैदराबाद ऐसा नहीं कर सकता, उसे नए बन रहे दो देशों में से किसी एक का हिस्सा होना पड़ेगा। दोस्तों, इन सभी घटनाओं के कारण हैदराबाद में दंगे फैलने लगे और स्थिति काफी ज्यादा हिंसक हो गई। इसमें बड़ा हाथ मोहम्मद अली जिन्ना का भी बताया जाता है। जून 1948 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने इस्तीफा दे दिया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जल्द फैसला आने के लिए योजना बनाई। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में भारतीय सेना को भेज दिया गया। ऐसा हैदराबाद पर दबाव बनाने के लिए नहीं बल्कि वहां पर जो दंगे हो रहे थे उनको रोकने के लिए किया गया। हालांकि ऑपरेशन पोलो कही जाने वाले इस ऑपरेशन में 4 दिन में हैदराबाद का कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में आ गया था और हैदराबाद के निजाम को भारत में शामिल होने के कारण उन्हें कई सारे पदों से नवाजा गया और उन्हें हैदराबाद का गवर्नर भी बना दिया गया था। भोपाल। भोपाल यानी कि आज के समय के मध्य प्रदेश का एक काफी बड़ा हिस्सा। एक समय पर भोपाल भी भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं था। इसके पीछे कारण था भोपाल के नवाब हमीदउल्लाह खान की मुस्लिम लीग से दोस्ती। मुस्लिम लीग के भड़काए जाने पर उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर बताया कि वे आजाद रहना चाहते हैं। आजाद रहकर वे लैंडलॉक सिचुएशन में चले जाते जिससे कि परेशानियां बढ़ती ही, इसलिए आखिरकार उन्होंने भारतीय में मिल जाने का फैसला कर लिया। त्रावणकोर। त्रावणकोर दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था और आज के समय के केरल और तमिलनाडु के बहुत सारे हिस्से उसी में आते थे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कन्याकुमारी भी भारत का हिस्सा नहीं हो पाता, वो इसी राज्य के बारे में कहा था। त्रावणकोर ने आजाद भारत से जुड़ने के लिए सबसे पहले मना किया था। उस वक्त इसका भारत में होना बहुत जरूरी था क्योंकि ये बहुत से मिनरल और ह्यूमन रिसोर्स से भरा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह मोहम्मद अली जिन्ना के साथ थे और ब्रिटिश शासन ने भी उन्हें बहुत ज्यादा भड़काया था, लेकिन काफी समझाए जाने के बाद उन्होंने भारत से जुड़ने के लिए हाँ कर दी। पुडुचेरी। दोस्तों, पुडुचेरी या जिसे हम पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं, वो भी पहले भारत का हिस्सा नहीं था। भारत की आजादी के दौरान ये फ्रांस का हिस्सा था और 1954 में ये भारत में शामिल हो पाया।
इसे भारत और फ्रांस की सरकार के पीछे हुए एक समझौते के तहत भारत में शामिल किया गया था। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस समझौते तक पहुंचने के लिए पहले वहां के लोगों ने फ्रांस का काफी विरोध किया था और उन्हें भारत सरकार की बात सुनने के लिए मजबूर किया था। त्रिपुरा और मणिपुर। भारत की आजादी के समय त्रिपुरा एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था और यहाँ के राजा थे वीर विक्रम किशोर देव बर्मन। राजा देव बर्मन की 1947 में ही मृत्यु हो गई थी और राज्य की सारी जिम्मेदारी उनकी रानी कंचन प्रभा देवी पर आ गई थी। त्रिपुरा ने आजाद रहने की कोशिश तो की लेकिन वो उस तरह से विकास नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से होना चाहिए था और इसी कारण 9 सितंबर 1949 को उन्होंने भारत से मिलने के प्रस्ताव पर साइन कर दिया। कुछ इसी तरह मणिपुर भी भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। 21 सितंबर 1949 में मणिपुर के राजा महाराज बुद्धाचंद्र सिंह ने भारत से मिलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मणिपुर भी भारत का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, ये थी कुछ भारत की ऐसी जगह जो पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करती थी। क्या आप इससे पहले इसके बारे में जानते थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर नहीं तो इस बात पर एक लाइक तो जरूर बनता है और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।